हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट 02। आज के हम अपने इस वीडियो में नवजात बछड़ों में लगने वाले एक रोग के बारे में बात करेंगे, जिसको कहा जाता है काफ स्कोर या वाइट स्कोर, जिसको हम अपनी आम भाषा में बछड़ों का सफ़ेद दस्त के नाम से जानते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको इस रोग का कारण यानी किसके द्वारा ये रोग फैलता है, इस रोग का लक्षण तथा इस रोग के फैलने की विधि और इसके संपूर्ण इलाज के बारे में जानकारी देंगे। तो बने रहिए अंत तक हमारी इस वीडियो में, चलते हैं इस रोग के कारण की तरफ। तो इस रोग का कारण जो है वो एक बैक्टीरिया है, जिस बैक्टीरिया का नाम है एस्चिनेरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया से यह रोग होता है। ये रोग मुख्य रूप से एक सप्ताह के बछड़ों के अंदर दिखाई देता है। इस रोग की फैलने की विधि जो होती है, ये बच्चों में खीस का, जिसको हम अपनी भाषा में पेवस कहते हैं, पेवस को उचित मात्रा में ना देना। आमतौर पर किसान या पशुपालक क्या समझते हैं कि ये जो खीस होता है या पेवस होता है, ये बछड़ों के लिए नुकसानदायक होता है। हालांकि ऐसा नहीं होता। जो खीस होता है ये बछड़ों के पेट को पूरी तरीके से साफ कर देता है, उनके अंदर जो जीवाणु होते हैं उनको पूरी तरीके से निकाल देता है। जब हम अपने बछड़ों को पूरी तरीके से खीस नहीं देते हैं तो बछड़ों में कॉफ स्कोर की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अब हम चलते हैं इस रोग के लक्षण की तरफ। तो इस रोग का लक्षण है, सबसे पहले बछड़ों में सफ़ेद दस्त लग जाते हैं, उनकी आँखें बैठ जाती है, उनकी पीठें धंस जाती हैं, और मेन जो लक्षण होता है इस रोग में, बछड़ों को 104 से 107 डिग्री फारेनहाइट तक तेज बुखार चढ़ जाता है, जिसके वजह से बछड़ा हमारा 24 से 48 घंटे के अंदर मर भी सकता है। अब हम चलते हैं इस रोग के फैलने की विधि की तरफ कि ये रोग कैसे फैलता है। इस रोग की फैलने की विधि होती है, बछड़ों को उचित मात्रा में खीस ना देना, संक्रमित बछड़ों को स्वस्थ बछड़ों के साथ बांधना, उनमें साफ सफाई का ध्यान न रखना इत्यादि चीज़ों के द्वारा ये बीमारी जो होती है हमारे बछड़ों में देखी जाती है। अब हम चलते हैं इस रोग के रोकथाम की तरफ। अगर हम किसी रोग का रोकथाम कर लेते हैं तो हमें इलाज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम रोकथाम से किसी बीमारी को होने से पहले ही उसका कंट्रोल कर लेते हैं तो हमें इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसके रोकथाम के लिए सबसे पहली चीज़ हम अपनाएंगे कि अपने बछड़ों को उचित मात्रा में खीस उपलब्ध करेंगे। हम अपने बछड़ों को खीस देंगे, उनके नीचे बिछावन और उनके बाड़े में साफ सफाई रखेंगे और बहुत सारे बछड़ों को एक साथ नहीं बांधेंगे। अगर हम कई बछड़ों को एक साथ बांधते हैं तो ये एक जीवाणु जनित रोग है जो अन्य स्वस्थ बछड़ों में भी देखा जा सकता है। अब हम चलते हैं इस रोग के इलाज की तरफ। तो ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है, ये एक जीवाणु जनित रोग है। इसके लिए सबसे पहले हम अपने बछड़ों को एंटीबायोटिक दे सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक के हम आपको नाम बताते हैं, जिसमें डायरिया क्योर होता है, डायरिया डॉन होता है, इसके अलावा एम्फिसिलिन होता है, और पेनिसिलिन को हम अपने पशुओं को दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।